कौन से भी एक ब्लॉग में मैंने बोला था करके द ओनली थिंग दैट इज कॉन्स्टेंट एट माई घर इज चेंज. मतलब आई कीप चेंजिंग, क्योंकि जब तक मेरे को सेटिस्फैक्शन लेवल मिलता नहीं है, जब तक मेरे को घर में पीस ऑफ माइंड मिलता नहीं है फर्नीचर्स एंड मेरे सेटअप से, तब तक मैं चीज़ें चेंज करती रहती हूँ. ये वाला जो एडिटिंग डेस्क मेरा था कैमरा के उस पार, मैंने अभी उस कैमरा के इस पार लेके आई हूँ, बिकॉज अभी मुझे ऐसे अच्छी अच्छी वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर बैठ के एडिट करने के लिए. आज शायद आपको ब्लॉग में मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन लगेगी बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस. जो मेरे महीने का दोस्त विजिट करने आता है, जैसे महीने में न्यूज़पेपर वाला, दूध वाला, गाड़ी साफ करने वाला, कैसे अपना डेट उनको पता होता है, सैलरी मिलने वाली, वो टाइम पे ऐसे वो लोग प्रकट हो जाते हैं, वैसे ही आज भी एक चीज़ प्रकट हो गई है एंड मेरी एनर्जी वो मतलब ऐसे ले जा रही है. इट्स अ फीमेल, क्योंकि आई बिलीव दैट खून चूसने का काम लड़कियां ही करती है. Strawberry lips burning on my skin. Hey and what's up squad RGB, this is Timcha Vishakha from Amchi Mumbai. Welcome back to अपन का YouTube channel Radical Vishakha. This bed for next 2 days is going to be my बेस्ट फ्रेंड. मतलब मैं फ्रेंडशिप डे आई थिंक बेड पे ही सेलिब्रेट करने वाली हूँ. सो मैंने आज ठान लिया था, लाइक अर्ली मॉर्निंग आई वोक अप एंड मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दिया था दैट आज मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ. आई एम गोना टेक अ ब्रेक फ्रॉम ब्लॉगिंग एंड आई एम जस्ट गोना लाई डाउन एंड रीड दिस बुक द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस. बट फिर मुझे ऐसा लगा नहीं, कुछ तो चीज़ की कमी हो रही, कुछ तो चीज़ छूट रही है. मतलब मेरी बाइक, जैसे वो पिक्चर है ना, कौन सा भी पिक्चर में बोला था शायद मेरी ट्रेन छूट रही है, मुझे ऐसा लग रहा था शायद मेरी बाइक कोई चोरी कर रहा है, मेरी बाइक में शायद कोई पेट्रोल निकल रहा है और मैं देख रही हूँ मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, ऐसी वाली मेरे को फीलिंग आ रही थी. इसलिए मैंने सोचा नहीं भाई लेट्स गेट बैक टू वर्क. तो वैसे ही सुबह सुबह उठ के मैं मस्त शाहरुख को वॉक पे लेके गई एंड ये बार वॉक पे मतलब इट वॉज नॉट अ स्मॉल वॉक, इट वॉज अ ड्राइव एंड अ वॉक, जहाँ पर मैं एंड शाहरुख गए नारिमन पॉइंट, वो भी बिना ब्रश किए हम गए. बट इन बिटवीन मेरे को क्रेविंग आई पेस्ट्री खाने की, सो इतना बड़ा केक ऑर्डर फ्रॉम थियो ब्रोमा, माई फेवरेट केक, चॉकलेट केक, एंड इट वॉज अ हाफ के जी केक जो कि मैंने आई थिंक 45 मिनट्स में अकेले ने पूरा निपटा डाला. तो इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? मतलब एनर्जी मुझे आती है यहाँ से कभी कभी, वैसे अंदरूनी पीस मेरे पास कुछ ज़्यादा ही, इसलिए ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाती है. बट ऐसे टाइम पे, बाय द वे दिस इज़ नॉट अ हैशटैग स्पॉन्सर्ड पोस्ट, ये बस मुझे जब भी बहुत रेयर केसेस में व्हेनेवर आई फील लो ऑन माय एनर्जी लेवल तभी मैं सिर्फ ये पीती हूँ. तो योर गर्ल राइट अ गर्ल की एनर्जी वापस आ गई है एंड और एनर्जी के साथ हम करने वाले हैं इस 3 चीज़ का अनबॉक्सिंग. ठीक है, अभी आपके सामने जो प्रकट है वो है 3 चीज़. तो ये वाला मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है, आइकॉनिक प्रोफेशनल का हेयर ड्रायर. मेरे को काफ़ी टाइम से एक हेयर ड्रायर चाहिए था, मतलब कितनी कंजूस हो गई हूँ, खुद के लिए एक हेयर ड्रायर नहीं खरीद पाई एंड सो मेन रीज़न है शैडो के लिए भी मैंने खरीदा ताकि उसको भी मैं अच्छे से ड्राई कर पाऊँ, मेरे बाल भी अच्छे से ड्राई कर पाऊँ. एंड इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम दैट मैंने ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की है. रंग भी रंगी कपड़ा मंगाया है, वो आपको इंस्टाग्राम ब्लॉग में देख लेना. होपफुली अगर फ्रेंडशिप डे को मैं राइट कर दूँ तो आई एम गोना वेयर दिस. एंड ये जो तीसरी चीज़ है वो ये वाले कलेक्शन में ऐड होने वाली चीज़ है. दिस इज़ अ जैकेट फ्रॉम अलका गियर, शाहनवाज ने मुझे खुद ही किया हुआ है फ्रॉम दिल्ली एंड आई कॉल इट मैजिक जैकेट. क्यों की ये दिल है हिंदुस्तानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, क्यूँकी को से गाओ गाना, को की से गाओ. And lately I am missing my reflection and everybody puddle on the pavement driving every thought into distortion. But I'm okay. As if now this looks dope, मतलब wow, amazing features and everything is there, but इसका रिव्यू हम देंगे जब इसको राइड पे यूज़ करेंगे, क्योंकि ऐसे नकली तारीफ तो मैं करने नहीं वाली हूँ बिकॉज फॉर मी सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन कम्स फर्स्ट एंड देन द लुक्स. बट ये बहुत किलर लग रहा है, सो वेट फॉर द वीडियो जहाँ पर इसको अपन करेंगे रिव्यू. पूरे घर में मम्मी छुरी ढूंढ रही है और मम्मी की छुरी यहाँ पर है, अब यही छुरी से मम्मी मेरा मर्डर करने वाली है. तू किधर जा रहा है? लैमिंगटन रोड. सुन मैं क्या पूछ रही हूँ, देखो बर्फ गिर रही है क्या? बट ये मेरा लद्दाख वाला हुडी है तो अभी क्यों पहन रहा है? तो समर में पहनता हूँ ये सब, अभी तो फिर भी बारिश का मौसम है. मैंने क्या पहना है, तू क्या पहन रहा है? चलो एक शैडो, मम्मी अकेले बिस्किट खा रही, देखो नहीं दे रही बिस्किट मम्मी. मतलब पागल तू है.
शैडो को मम्मी बिस्किट नहीं दे रही। मेरी बॉटल बोल देना किधर है। देख मम्मी लोग में मैजिक होता है चीजें प्रकट करने का। मैं 10 मिनट से मेरी बॉटल ढूंढ रही हूँ। बॉटल बता कहाँ है। कल की मम्मी बिल्कुल ध्यान नहीं दी थी बच्चे लोग पे। शैडो मम्मी ट्रीट नहीं दे रही। देखो देखो अभी कहानी घर घर की हो गई है खत्म, क्योंकि अभी कहानी कार एंड कहानी रोड एंड कहानी मॉम का मेकओवर, मतलब फ्रॉम मम्मी अपने को मम्मी को बनाने का मॉम, मतलब जो मो व्लॉग्स वाली मॉम है ना, मॉम वैसे, मतलब मेरी मम्मी को ऐसे हॉट बनाने का है। तो अभी हम लोग करने वाले मम्मी का मेकओवर द पॉजिटिव। ऐसा लगना चाहिए ना RGB मॉम, लोग देख के बोलना चाहिए ओ यही इच्छे करके उसकी मम्मी। ओए मैं ही हूँ। हाँ मतलब मेरी मम्मी यही है। मिलती सीधा उधर पे आ गए लैशेस सलोन। मो व्लॉग्स वाली मम्मी जैसे अपने को हॉट लगने का है, तो उसने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। उसको अभी इतने लंबे बाल उसको इतने से करने हैं, मतलब अभी हम लोगों ने बार्गेन करके इतने इतने कर दिए, बट शी वांट्स हर हेयर टू बी लाइक दिस शॉर्ट। आजकल की मम्मियां महीने से, मतलब बच्चे की तरह मैंने सब पाला पोसा उगाया है जिस चीज को। इतने लंबे लंबे हो चुके हैं। अभी अगर इसको गौर से देखोगे, अब बारी आ गई है इसको भी ऐसे मुक्ति देनी। सलोन में इतने टाइम बाद आ ही लिए तो ये भी काम कर देते हैं। जिस लड़की को लगता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड बहुत माचो है ना, आई डे यू गाइस अंडर आर्म्स वैक्स करके दिखा दो बिना ऊ आ करे, मान जाओ। देखो छोटा सा ब्रेक ले लिया है मैंने सलोन के पास ही, क्योंकि सेवियर रोहन आ गया है मेरे लिए मैकडॉनल्ड्स का खाना लेकर। वैसे मैंने अपने को प्रॉमिस किया था कि मैं अभी हेल्दी डाइट करूँगी, ये सब नहीं होगी, पर हमसे ना हो पाई। मतलब ऐसे दोस्त नहीं था, कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा खाने को मिलने ही वाला है। एक्चुअली ये देखा, इसको देखा नहीं जाएगा अगर मैं स्लिम एंड ट्रिम पतली हो जाऊँ तो कॉम्पिटिशन हो जाऊँगी चटपटा नान आइसक्रीम कोक सब एंजॉय करने वाली हूँ। मम्मी फिलहाल अंदर कर रही कुछ ना कुछ कारीगरी। मम्मी इज गिविंग कॉम्पिटिशन टू रोहन, ठीक है। मतलब हेयर कट में आई थिंक मम्मी के बाल अभी इतने से इतने हो गए, वो अभी इसके अंदर से छुपे गए। प्रॉपर दिखाऊंगी अभी मम्मी को, मतलब सालों बाद, आई थिंक 3-4 साल बाद चीज़ डियर इन द सलोन। तो आज अपन हेयर कलर, फेशियल, आईब्रोज, अपर लिप्स, जिनको इतने पाल पोस के मम्मी ने क्वारंटीन में उगाया, सब का आज काम तमाम। भाई मेरी मम्मी घूम हो गई है। हाँ, तू देखा है मेरी माँ को? नहीं। मतलब मैं यहाँ पर सलोन में लेके आई थी ना यहाँ पर, तब कुछ और थी। अब कुछ और बन गई है। हेलो। किसी ने मेरी माँ को देखा है यहाँ पर? बताओ इन द कमेंट सेक्शन आप मम्मी से मॉम बन गई है और कैसी लग रही है। नो बट जेन्युइनली आई थॉट अच्छा नहीं लगेगा, बट बहुत अच्छा लग रहा है। It is suiting you. अगर PK movie अब भी release होनी चाहिए, जब ये casting होता है ना तो फिर मैं ले लेता हूँ। हाँ, casting कर लेते हैं। Yeah. कुछ नहीं आता चीज़ें। So mummy की ऐसे wish list थी 10 things to do before you die वाली। She has started already ticking it. So this is one of the thing that she wanted to do. ऐसे मेरे को अभी ही मालूम पड़ा है। So you are welcome. Tick. जो बिल का पैसा हुआ है वो हम गूगल पे कैश काइंड सब में लेते। वरना ना हो, मतलब परफेक्शन, सरस, बहुत सरस। रोहन को टिप्स दिए था मुझे कैसे वो गाना। सलोन से निकल के हम आ गए हैं
यहाँ पर अब इस जगह का नाम मैं क्या बोलूँ इनको, इबो एक्सट्रीम, इबो एक्सट्रीम, इबो एक्सट्रीम। ये है प्रथम, प्रथम को मैंने दिया था मेरी 4 साल पुरानी साइकिल बनाने के लिए। तो मैं काफ़ी टाइम से लेके पीछे पड़ी हुई मेरे को साइकिल बनाने का है, एंड आई थिंक 1-2 हफ्ते हो गया ना यहाँ पर देखे, दो हफ्ते हो गए मैंने साइकिल दिया है, एंड फाइनली अपनी फ्यूजन साइकिल इज रेडी। प्लान था मेरे को यहाँ से चला के लेके जाना, बट आई डोंट नो मैंने लास्ट साइकिल कब चलाया था। ये भी साइकिल मैंने लेके से नई नई रख दी थी, बट मैंने चलाई नहीं थी यार, मतलब खड़े खड़े साइकिल सड़ गई, जिसके जो भी पार्ट्स थे, जो रस्ट पार्ट था, वो पूरा इसने चेंज कर दिया है। एंड देखते हैं, ऐसे पहले कंपाउंड में अपन प्रैक्टिस करेंगे चलाते चलाते, फिर चलाओगे मतलब रास्ते में, तभी अपनी हिम्मत है नहीं लेके जाने की, देखते हैं जैसे भी होता है ब्लॉग में अपडेट मिलता रहेगा आप लोग। कैसा वैसा तो भी मतलब साइकिल को ऐसा फिट कर दिया है होंडा सिटी में, इसका टायर खोल के अभी मैंने प्रथम से पूछ भी लिया है कि टायर खोलते तो उसको लगाते कैसे। अपनी फ्यूजन गाड़ी में मस्त पैकी फिट हो गई है, मम्मी को थोड़ा सा एडजस्ट करके बैठना पड़ रहा है, एकदम सीट वीट आगे लेके होने कब्जे में, बट थोड़ा सा स्ट्रगल फॉर आवर साइकिल। 2 हफ्ता लगा दिया प्रथम ने साइकिल बनाने को, बट 1 नंबर साइकिल बनाया। बैक हियर एंड अ वेरी बिग प्रॉब्लम, लिफ्ट का हो गया है दैट ये वाली जो लिफ्ट है वो ग्राउंड फ्लोर पे ही अटक गई है, एंड ये वाली जो लिफ्ट है वो फर्स्ट फ्लोर पे ही है, एंड दोनों लिफ्ट हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, प्लस मम्मी को 6 माला चढ़ाना साइकिल के साथ, एंड शैडो एंड पवन भी नीचे ही है, तो मतलब 6th फ्लोर चढ़ के जाना इस गोना में लिटिल डिफिकल्ट नाउ। तो हम लोग फिगर आउट करेगा कि लिफ्ट चालू करेंगे तो कैसे करेंगे नाउ, दिस इज क्वार्टर्स, यहाँ पर लिफ्ट चालू करना बहुत टफ है। हम लोग चढ़ के जा रहे हैं अभी, मेरे को और पवन को और शाडू को वी आर ऑलमोस्ट यूज टू इट, बट ऐसी हालत में मम्मी को ऊपर लेके जाना। रात के 11 मम्मी को ऊपर बोला चढ़ के आने के लिए, क्योंकि जो रिपेयर वाला बंदा है वो शाम को आके गया था, अभी हम लोगों ने नेबर से बात किया बट उससे लिफ्ट बनी नहीं, एंड दोनों लिफ्ट पता नहीं कैसे खराब हो गई, प्लस एक बंदा है जो धारवी से आएगा और एक बंदा है जो परेल से आएगा, एंड उतना दूर से आते तक का मतलब कम से कम आधा पौना घंटा तो ऐसे निकल जाएगा, इसलिए मम्मी को हमने बोले धीरे धीरे चढ़ के आ जाओ ऊपर। ईद मुबारक टू ऑल माई मुस्लिम फ्रेंड्स ऑल्सो, सो दिस इज अ वेरी अनटॉक टॉपिक दैट आई एम गोना टेल राइट नाउ, इज दैट आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ यू गाइस बीइंग शेयरिंग बकरा हलाल होने वाला है, बकरा कटने वाला है, इसका काम तमाम होने वाला है, ऐसे वाले पोस्ट एंड ऐसे वाले वीडियोस देख रही हूं व्हिच इज वेरी डिस्टर्बिंग। सो हम लोग ऐसी ईद मना सकते हैं जहाँ पर इंस्टेड ऑफ उनको मारने से अच्छा उनकी कुर्बानी या उनकी बलि देने से अच्छा वी कैन यू नो अडॉप्ट वन, उनको हम पाल सकते हैं। तो जस्ट ट्राई एंड स्प्रेडिंग दिस मैसेज दैट एटलीस्ट अभी अपने को इतना सेंस हो जाना चाहिए दैट 2020 हैज़ बीन लाइक अ रियली क्रूशियल, मतलब ह्यूमैनिटी इज नोवेयर, इसीलिए आई थिंक जो नेचर है जो भगवान है इट इज़ गिविंग बैक टू अस, बिकॉज वी ह्यूमन ट्रीट एवरी अदर लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ लाइक दिस, इसीलिए वी बीन ट्रीटिंग बैक लाइक दिस, सो लेट्स स्टॉप दिस। ये जो माता के लिए हम बकरा काटते हैं, ईद है तो हम बकरे की बलि चढ़ाने वाले हैं, ये सब जो भी चीज़ है लेट्स जस्ट स्टॉप इट एंड लेट्स यू नो सेलिब्रेट ईद इन अ वेरी फ्रेंडली वे, इन अ वेरी हैप्पी वे, एंड स्प्रेड लव एंड लेट्स नॉट किल एनी एनिमल। बस गाइस आज के लिए ब्लॉग इतना, आई एम लाइक टू टायर्ड, पूरे दिन मैंने डिसाइड किया था ब्लॉग नहीं करूँगी बट मैंने आज ब्लॉग किया। सो अगर आपको पसंद आता प्लीज़ लाइक करो, इतनी मेहनत के लिए एटलीस्ट 6 माला चढ़ के आए उसके लिए लाइक एंड कमेंट ऑन बिलो योर फेवरेट पार्ट फ्रॉम द ब्लॉग एंड शेयर इट अक्रॉस ऑल, सब्सक्राइब इफ यू हैवंट सब्सक्राइब बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 500K। बस इतना ही, till then keep calm and give a more power to you। ब्लॉग में अपने बाल को परफेक्ट बनाना है सो डिफिकल्ट, मतलब कैमरा चालू होने के पहले ही मैं सीधा सीधा बाल बना के रेडी रहती हूँ ताकि मेरे बाल थोड़े से अच्छे लगे। असली बाल तो अंदर ही गिर गया। अब ये करके दिखाओ, पावर।